भी नहीं मिलती है, छः छः महीना पाँच पाँच महीना गुजर जाता है, सैलरी भी नहीं मिलती है, तो कोई कैसे काम कर पाएगा, ऐसे दिक्कत आ जाती है। सैलरी 3 महीने, हाँ 3-4 महीने हो गए हैं, अभी तक सैलरी नहीं आया है। 3-4 महीने से अभी तक सैलरी नहीं है। ट्रांसफर कर देता है एक जगह, पहले बेगूसराय से, फिर नावकोठी भेजा, उसके बाद गढ़पुरा, वेतन भत्ता जीरो, सरकारी भत्ता जीरो, किराया मिल नहीं रहा, इंसान जाके काम कैसे करेगा फील्ड पे, बताइए आप हमें। एक ही नारा एक ही काम, पहले पहली बार मिला। एक ही नारा एक ही काम, पहले पहली बार मिला। बकवास चलेगा चोरी, नहीं करेंगे खाना पूरी। बकवास चलेगा चोरी, नहीं करेंगे खाना पूरी। बेगूसराय में विशेष सर्वेक्षण अभियंता संघ ने अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन किया। अपने 12 सूत्री मांगों के साथ यह प्रदर्शन आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विशेष सर्वेक्षण अभियंता संघ के जिलाध्यक्ष रवि प्रकाश एवं संचालन अभियंता रंजित भारती ने की। इस अवसर पर संघ के जिला मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि विशेष सर्वेक्षण के तहत हमारी 12 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के 20 जिलों में हो रहे सर्वेक्षण कर्मियों के द्वारा धरना दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हमारी मांगे माने जाने तक यह आंदोलन जारी रहेगी। उन्होंने प्रमुख मांगों में विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, अशोक चौधरी संविदा कमेटी के संकल्प 12,534 की अनुशंसाओं को लागू करने, तकनीकी मार्गदर्शिका के अनुसार सर्वेक्षण कार्य शिविर कार्यालय में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था उपलब्ध कराने, ईपीएफ कटौती में सरकार का अंशदान दिया जाए, सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को सेवा अभिलेख खोला जाए और सेवा अवधि 60 वर्ष के लिए विस्तारित किया जाए। उन्होंने मांग किया कि क्षेत्र भ्रमण हेतु क्षेत्रीय कर्मियों को ईंधन भत्ता एवं ईपीएफ की राशि जल्द से जल्द खाते में भेजने की मांगे रखी है। इस मौके पर मोहम्मद इमरान, शैलेंद्र यादव, शेखर सुमन, अजित कुमार, यादवेंद्र आजाद, पंकज कुमार, राहुल कुमार सहित सैकड़ों कर्मी उपस्थित थे। अवधेश कुमार, बीएनपी न्यूज, बेगूसराय। हम लोगों को 5 प्रखंड में 5 गांव ऐड कर दिया गया और ईंधन भत्ता कुछ नहीं दिया जाता है। कोई 10 किलोमीटर दूर रहता है तो कोई 5 किलोमीटर दूर रहता है, ऐसे में हम कैसे काम कर पाएंगे। आज हम लोग विशेष सर्वेक्षण अभियंता संघ जिला इकाई बेगूसराय के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन किया गया है, जो हमारी मांगे माननी तक जारी रहेगी। हम लोग पहले 27 तारीख को भी आवेदन देकर विभाग को चेतावनी दिए थे कि हम लोग 1 तारीख से धरना पर बैठेंगे, इसलिए आज हम सभी कर्मी लोग 12 सूत्री मांगों को लेकर धरना पर बैठे हैं। हमारी 12 सूत्री जो मांग है, सरकार में उपलब्ध समान समकक्ष पद के प्रारंभिक स्तर का वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य अनुमान्य भत्ता को मिलाकर समेकित रूप से प्रतिफल योगफल के बराबर हम लोगों का मानदेय अनुमान्य किया जाए। प्रत्येक माह की तिथि, अंतिम तिथि को हमारा मानदेय का भुगतान किया जाए। राजस्व जो विभाग के ज्ञापांक 11-088 के द्वारा जो निर्णय लिया गया उसको लागू किया जाए, और सिविल कार्यालय में जो मूलभूत सुविधा है बिजली पानी उसका व्यवस्था किया जाए, और हमारे ईपीएफ का जो कटौती हुआ है वो भी अभी तक हम लोग को नहीं मिला है, उसका उसमें सरकार जो अंशदान देती है वो भी हम लोग को नहीं मिल रहा है, उसको दिया जाए। और महिला लोग का जो छुट्टी कब है कि मतलब हर एक विभाग में छुट्टी दिया जा रहा है, लेकिन हमारे महिला कर्मी को विशेष अवकाश का लाभ नहीं मिल रहा है, उसको दिया जाए। और संविदा पर जो हम लोग का काम कराया जा रहा है, जिससे हम लोग को बराबर नौकरी जाने का खतरा रहता है, उसको हम लोग को 60 वर्ष किया जाए और सेवा अभिलेख खोला जाए, और हम लोग को प्रताड़ित करने का काम नहीं किया जाए। हम लोग बहुत ईमानदारी से इंजीनियर जो हैं काम करते हैं, और मौजा में किश्तवाड़ कार्य से लेकर जमीन सर्वेक्षण का जो भी कार्य है ईमानदारी पूर्वक करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, उसके लिए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए सरकार हम लोग को सुविधा उपलब्ध कराए, हम लोग बिहार विशेष सर्वेक्षण को बहुत अच्छे ढंग से मतलब रैयतों को जमीन उपलब्ध कराने का काम करेंगे, और हम लोग का जो भी सरकार का निर्देश होगा उसको हम लोग पूरा करेंगे। और जो हमारे शिविर कार्यालय से मौजा की जो दूरी है वो बहुत अत्यधिक है, जिसके कारण हम लोग को प्रत्येक दिन शिविर कार्यालय में अटेंडेंस लगाकर मौजा जाना होता है। एक एक बिहार विशेष सर्वेक्षण अमीन को लगभग मतलब एक एक पाँच पाँच मौजा, 6-6 मौजा अलग अलग प्रखंड में दिया गया है, जिससे हम लोग जाने में असमर्थ हैं। जो भी सैलरी मिलता है इसी में चला जाता है। हम लोग के सामने भुखमरी की स्थिति आ गई है, इसलिए हम सभी मांग करते हैं कि हम लोग को यात्रा भत्ता, ईंधन भत्ता दिया जाए। क्या नाम हुआ? इंजीनियर रवि प्रकाश, बेगूसराय।